अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं एक और नई रेसिपी जो है बैंगन का सलाद या ब्रिंजल सैलेड या एगप्लांट सैलेड। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आए देखते हैं चाइनीज एगप्लांट सैलेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये कुछ मसाले हैं जैसे कि लाल मिर्चें मैंने ली हैं सूखी हुई, ये मैंने 5 अदद ली हैं। एक छोटे साइज़ का मैंने लहसुन लिया है, आधे इंच अदरक का टुकड़ा लिया जिसे क्रश कर लिया है, और ये मैंने कलौजी या मंगरेल बोलते हैं जिसे वो मैंने ले लिया है ये इस तरह से, ये एक चुटकी लिया हुआ है। ये हमें क्रश करने के लिए यूज़ होंगी। सब्जियों में मैंने बैंगन ले लिया है, ये मैंने इस तरह से लिया है बिल्कुल मतलब बैंगनी ही चाहिए, एकदम स्मूथ सा चिकना होना चाहिए, देखिए इस तरह से। इसे हम लोग कट करके और भाप देकर और फिर पकाने वाले हैं। तो ये मैंने ले लिया है तकरीबन 1/2 किलो, और उसके अलावा मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक मीडियम साइज़ का टमाटर, दोनों को मैंने लंबा लंबा कट करना है। ये भी हमारे साथ भाप के साथ में लगेंगे। इसके अलावा मुझे लगेगा तेल तकरीबन 2 चम्मच। आप तेल यूज़ करिए या बटर यूज़ करिए या घी यूज़ करिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच इतना ही लाल मिर्ची का पेस्ट यानी कि रेड चिल्ली पेस्ट जो आता है वो, और ये मैंने लिया है टोमेटो सॉस, ये रेड चिल्ली सॉस है, ये टोमेटो सॉस है। और मैंने यहाँ लिया है विनेगर, विनेगर मैं 2 टाइप का ले रही हूँ, ये सिंथेटिक विनेगर जो चाइनीज़ वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं ये वो है 2 चम्मच जितना, और एक विनेगर आता है जो शुगर केन विनेगर होता है ये मैंने यूज़ किया है 1 चम्मच। और साथ में मुझे लगेगा ये सोया सॉस है तकरीबन 1 चम्मच जितना, और साथ में लगेगा नमक तकरीबन 1.5 चम्मच जितना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने तकरीबन 2 ग्लास जितना पानी ले लिया है, और उसमें हम लोग ये छलनी रख लेंगे, और इसके ऊपर जो है हम लोग अपने हमारे जो बैंगन है और जो टमाटर और प्याज है वो स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो चलिए मैं इसे जो है गर्म कर लेती हूँ, और जब तक पानी खौलेगा तब तक जो है हम लोग, क्योंकि पानी जो है ये खौलने के लिए हम लोग रख दिए हैं, जब तक ये खौलेगा तब तक मतलब उबाल आएगा जब तक जो है हम लोग बाकी चीज़ें कट करके तैयार कर लेंगे। चलें जब तक जो पानी जो है वो गर्म हो रहा है तब तक हम लोग क्या करेंगे कि ये मैंने 2 ग्लास पानी ले लिया है एक बर्तन में, इसमें मैं जो हमारा सिंथेटिक सिरका था जो चाइनीज़ में यूज़ करते हैं वो मैंने इसमें डाल लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। एक तो इससे जो है कलर अच्छा मेंटेन होता है, और जो बैंगन जो होता है वो लूज़ हो जाता है स्टीम होने के बाद, तो इसमें जो है थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर भी रहता है। अब इसे हम लोग कट कर लेंगे, दोनों तरफ से मैं इसे बारीक कट कर लूँगी। इस तरह से देखिए ये जो है ये कलर का जो है ये काफ़ी खूबसूरत होता है, तो इसे जो है हम लोग 2 पोर्शन में कर लेंगे। ऐसे ही इसको भी हम लोग इसी तरह से कर लेंगे, इसको भीगने देंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, ये देखिए। बिल्कुल देख लेना है कि बीच में बैंगन जो है वो सफ़ा है कि नहीं, देखिए ये इस तरह से जो है इसमें थोड़ा सा जम्स वगैरह लगे तो मैं इसे निकाल दूंगी। बाकी जो है हमारे इसे जो है हम लोग रख लेंगे, और साथ में जो है हम लोग टमाटर वगैरह जो है अब ये भी कट कर लेंगे, इसमें तो नहीं रखना है लेकिन ये साथ में रख लेंगे हम लोग। तो टमाटर को इस तरह से जो है हम लोग लंबा लंबा कट कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए इसे काट लेते हैं, और प्याज जो है इसे भी हम लोग जो है इस तरह से लंबा लंबा कट कर लेंगे ताकि उबालने में भी आसानी हो जाए और इसका जो शेप है ये सैलेड में अच्छा दिखे इस तरह से। देखिए ये जो है इस तरह से मैंने रखा हुआ है, आप लोग भी इसी तरह से रखिएगा। चलिए ये इतनी तैयारी हमारी हो गई है। अब ये जो पोर्शन है हम लोग इसमें जो है ये मंगरेल को छोड़ के बाकी चीज़ें जो हैं ये हम लोग इसको जो है हम लोग पीस लेंगे दरदरा। ये देखिए पानी की तरफ आते हैं, पानी जो हमारा वो इसमें उबाल आने लगा है, इसको हम लोग रख देंगे। और जो 10 मिनट के लिए जो हम लोगों ने भिगाया हुआ था वो जो है अब इसमें रख लेंगे हम लोग। एक तरफ से इस तरफ से हम लोगों को पकाना है, फिर बाद में हम लोग जो है 10 मिनट के लिए, और फिर बाद में जो है दूसरी तरफ से भी हम लोग पका लेंगे। हमारा जो है 1 पाव के हिसाब से जो है एक जो बैंगन था वो थोड़ा सा ख़राब निकल गया था, तो मैंने इसमें जो है दूसरा ऐड कर लिया है ताकि हमारा जो अंदाज़ है वो सही रहे।
इस तरह से। अब मैं इसमें जो है ढक्कन लगा लूंगी। और इसमें जो है हम लोग ऊपर से डाल लेंगे इसको भी, ताकि ये भी अच्छा बाहर से पक जाए, क्योंकि बाद में हम लोगों ने इसे पकाना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए इसे जो है 10 मिनट के लिए एक साइड से पका लेंगे, उसके बाद और। चलिए 10 मिनट हो गया है, अब इसका हाल देख लेते हैं। देखिए एक साइड से तो ये अच्छा पक गया है, अब इसे पलट के जो है दूसरे साइड से हम लोग पका लेंगे बिल्कुल इस तरह से। चलिए इसे जो है अब 10 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी पका लेंगे हम लोग। चलिए 10 मिनट और हो गए हैं, अब हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। देखिए काफ़ी दोनों तरफ से जो है काफ़ी अच्छा ये हो गया है, टमाटर वगैरह प्याज वगैरह जो है तमाम चीज़ें गल गई हैं। इसे हम लोग ठंडा करके और उसके बाद टुकड़े टुकड़े करेंगे, तो मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फ़ौरन कर लूँगी। आप लोग इसे जो है अच्छा अच्छा ठंडा होने के बाद ही इसे जो है चेंज करिएगा। चलिए जब तक हमारी चीज़ें जो है वो ठंडी हो रही हैं, तब तक हम लोग एक काम करेंगे, एक पैन गर्म करके उसमें जो है हम लोग सिर्फ जो हमारा कलौंजी है इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो चलिए इसे भून लेते हैं, फिर आपको दिख। चलिए हमारी कलौंजी जो है ये भुन गई है, इसे हम लोग निकाल लेते हैं। अब आते हैं अपने ये जो हमारा जो मिक्सचर था इसकी तरफ, जिसको हमने उबाल लिया था सब्जियों का। इसे जो है हम लोग इस तरह से पोर्शन करके और इसे जो है हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे लंबा लंबा, ताकि ये शैलेट की शक्ल ले सके सलाद की। अभी काफ़ी गर्म है इसीलिए मैं जो है इस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, वरना ठंडा होने के बाद आप इसे डायरेक्ट हाथों से खोल भी सकते हैं, काफ़ी क्योंकि सॉफ्ट है। मुझे आपको दिखाना है इसीलिए मैं इसे भी ठंडा नहीं कर रही हूँ, फौरन से जो है इसे दिखा दे रही हूँ। चलिए तमाम जो है कट हो गया है, बस ये एक रह गया है, इसे जो है मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से रफली चॉप करना है हमें सब लोगों को, सब चीज़ों को। तो चलिए मैं आप इसको जो है मैं शिफ्ट कर लूँगी। चलिए तमाम चीज़ों को जो है मैं इस बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी तमाम जो हमारे मिक्सचर थे वो, सबसे पहले चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सिरका, नमक, विनेगर, सोया सॉस और हमारी कलौंजी जो हमने भुनी हुई रखी थी, ये इसे एक बारी जो है हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सिरका जो है रेडी है, बस इसमें जो है हम लोग अब हॉट ऑयल का जो है तड़का लगा लेंगे। हॉट ऑयल के तड़के के लिए मैंने पैन जो है वही यूज़ किया हुआ है जिसमें मैंने कलौंजी जो है उसे भून लिया था। अब ये गरम है, इसमें मैं जो है तेल डाल दूंगी और इस गरम तेल में ही हम लोग अभी ये डाल लेंगे जो हमने अदरक लहसुन और हरी लाल मिर्ची का जो फ्लेक्स जैसा बनाया था, एक दरदरा सा पेस्ट, और इसे बस हल्का सा इतना करना है कि तेल एकदम गर्म हो जाए। इसे थोड़ा सा कच्चा थोड़ा सा पक्का ही रहने देना है, बिल्कुल नहीं पकाना है, वरना मिर्ची जो है काली हो जाएंगी और उसका जो फ्लेवर है वो इतना अच्छा निखर के नहीं आएगा। देखिए तेल जो है हमारा एकदम अच्छा गर्म हो गया है, इसे भी जो है हम लोग डाल लेंगे हमारा जो मिक्सचर था सलाद का उसमें। देखिए इस तरह से, और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट जो है वो निखर के आता है। इसमें आप लोग चाहें तो कोथमीर वगैरह जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे मिक्स कर लेंगे और ये रेडी हो गया है। तो चलिए इसे दूसरे डिश में निकाल लेते हैं। यार गरम गरम बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी ब्रिंजल शैलेट, आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।